Hi everyone, good evening. So let's start. And shuru kare. Okay, fine. तो कल हमने डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, हाउ डू वी डू प्रोसेस, ठीक है. एंड आफ्टर दैट उसका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस क्या रखते हैं हम, उसके बायो प्रोसेसिंग क्या रखते हैं, ये चीजें हमने कल करी, ठीक है. आज हम पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. बायोटेक्नोलॉजी, एज यू वुड हैव लर्न्ड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, एसेंशियल बीइंग्स फिर इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिस्ट यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स फंजाई प्लांट एंड एनिमल्स. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एसेंशियली डील करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पर किसके प्रोडक्शन के लिए, बायो फार्मास्यूटिकल्स के और बायोलॉजिकल्स के, किसका यूज करके, जेनेटिकली मॉडिफाइंग फंजाई एंजाइम प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स को यूज करके क्या करती है, कुछ असेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे लिए बनाते हैं, असेंशियल प्रोडक्ट जो क्या करते हैं, एनहेंस आवर लाइफस्टाइल. ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेरेप्यूटिक डायग्नोस्टिक्स. बायोटेक्नोलॉजी के इसको इंक्लूड करते हैं, थेरेप्यूटिक्स को, जो थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए हमने थेरेप्यूटिक्स को, ठीक है, इंक्लूड थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज थ्री. उसके बाद फोर्थ है प्रोसेस्ड फूड, फिफ्थ है बायोरेमेडिएशन, सिक्स्थ है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक. ये क्या है, एप्लीकेशन है बायोटेक, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन. आई एम सॉरी, एप्लीकेशन क्या क्या है, पहला थेरेप्यूटिक, दूसरा डायग्नोस्टिक, ठीक है, तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इन एग्रीकल्चर, फोर्थ फूड प्रिजर्वेशन, फिफ्थ बायोरेमेडिएशन, सिक्स्थ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. और सेवेंथ होगा एनर्जी प्रोडक्शन. ठीक है, ये थी एप्लीकेशन. अब एरियाज कौन से रिसर्च एरियाज जहां पे बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली यूज होता है, प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम. पहला हो गया एंजाइम इंडस्ट्री, जहां पे कैटलिटिक इंडस्ट्री बोल सकते हैं, क्रिटिकल रिसर्च एरिया जहां पे हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट को
यूज करते हैं जो बेस्ट क्वालिटी का होता है, वो कैसे बनता है? एंजाइम्स को इम्प्रूव करके, या फिर किसी भी प्योर एंजाइम को यूज करके। ठीक है, तो पहला तो गया कैटलिस्ट वाला, दूसरा होगा क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर कैटलिस्ट टू एक्ट। दूसरा, ऑप्टिमल कंडीशन हम क्रिएट करेंगे फॉर दैट कैटलिस्ट टू एक्ट। ताकि वो कैटलिस्ट एक्ट करे। ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस टू प्यूरिफाई द प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो प्रोडक्ट हमें मिला है कैटलिस्ट के बाद, ऑप्टिमल कंडीशंस देने के बाद, जो कैटलिस्ट हमें, कैटलिस्ट से जो प्रोडक्ट हमें मिला, उसको हमें क्या करना है? प्यूरिफाई करना। प्यूरीफाई करने का मतलब ये है कि उसमें अगर कोई अननेसेसरी चीजें हमको रिमूव करना है, उसकी प्यूरीड फॉर्म में देखना है, हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि इट इज ऑफ दैट क्वालिटी विच वी नीड और विच फॉर विच वी हैव इंसर्टेड अवर जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसके लिए हमें उसकी क्वालिटी चेक करनी है, वो डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस से होगी। ठीक है, लेट अस नाउ लर्न हाउ मेनी बींग्स यू हैव, हाउ ह्यूमन बींग हैव यूज बाय टेक्निक टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेशली इन फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे बायो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम क्या देखेंगे? लेट अस लुक एट द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। तीन ऑप्शन जो यूज किए जा सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। पहला, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर यानी कि उसमें एग्रोकेमिकल्स यूज करें। दूसरा, ऑर्गेनिक कल्चर जिसमें ओनली हम ऑर्गेनिक खाद यूज करें। तीसरा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर जिसमें क्रॉसिंग करवाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है प्लांट्स, सॉरी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स पे क्या करवाएंगे हम? अगेन एंड अगेन ग्रो करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे। The green revolution succeeded in tripling the food supply, but yet it is not enough to feed the growing human population. Green revolution को succeed किया गया ताकि food supply जो है वो proper रहे, उसकी कमी ना हो। ठीक है, लेकिन जितना जिस हिसाब से population बढ़ रहा है, that act was not sufficient. यहाँ ठीक है, सिर्फ उसी act से काम चल जाएगा। No. Increased yield have partially been due to use of improved crop varieties. जो yield increase हुआ उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल क्या है? Biotechnology का इस्तेमाल है, जो हमने क्या किया है? Improved crop varieties use की है। But usually main, but mainly due to use of better management practice and use of agrochemical fertilizers and pesticides. लेकिन मेनली रीजन क्या रहा है? बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस में क्या होगा? हम कि खेत में देखभाल कैसे कर रहे हैं, उसके मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, क्रॉप को हम कैसे देख रहे हैं, खाद पानी किस टाइम दे रहे हैं, किस टाइम नहीं दे रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक बार तो पानी भर दे बाकी 20 दिन खुली रही पानी ही नहीं दिया, ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा, यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स हम क्या क्या डाल रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। आजकल आपने देखा होगा कि केमिकल्स की सब्जियां ज्यादा आने लगी हैं, प्योर खाद की नहीं आती। हाउएवर फॉर फार्मर्स इन द डेवलपिंग वर्ल्ड एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव, और केमिकल्स भी बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। ठीक है, फर्दर इंक्रीजिंग यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटी आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड्स को यूज करते हुए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रीड्स से ही हाई यील्ड लेके आना लाइक एक टफ टास्क है इन टूडेज जनरेशन। सो उसके लिए इज देयर एनी अल्टरनेटिव पाथवे फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक्स कैन शो दैट फार्मर्स मे ऑब्टेन मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम देयर फील्ड्स। कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव पाथवे है हमारे जेनेटिक्स को यूज करके कि हम क्या करें, आगे जाके जो फार्मर्स जो है उनकी यील्ड को इंक्रीज किया जा सके। इज देयर अ वे टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड केमिकल। कैसा कोई प्रोसेस है जिससे हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यानी कि एग्रोकेमिकल्स के यूज को हम मिनिमाइज कर सके,
दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट टू एनवायरमेंट आर रिड्यूस, या फिर उनका जो हार्मफुल इफेक्ट जो एनवायरमेंट पे शो करते हैं, जो वर्स्ट इफेक्ट एनवायरमेंट पे देखने को मिलता है, उसको कम कर सके, उसका कोई है फंक्शन? यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन. इसका एक ही मेजर सॉल्यूशन है कि मॉडिफाइड क्रॉप का यूज करना है. ठीक है, द प्लांट बैक्टीरिया फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. चाहे कोई प्लांट हो या कोई बैक्टीरिया या कोई फंजाई या कोई एनिमल या कोई वायरस भी हो, अगर हमने उसके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया है तो उसको हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैव बीन सक्सेसफुली यूज इन मैनी वेज. बहुत तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन है. पहला, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्राफ्ट, सोल्ट एंड हीट. जो एडवर्स कंडीशन आती है, एडवर्स टेम्परेचर कंडीशन आती है, उनको लेके क्या होता है, मोर टॉलरेंट होता है. ठीक है, मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस. उसके बाद रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, रिड्यूस रिलायंस यानी कि वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज कम कर दे. इसलिए जो प्लांट्स उस पर केमिकल्स पे ज्यादा रिलाई नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंट क्रॉप बना दी गई है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दी गई. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करता है. ठीक है, हार्वेस्टिंग के बाद जो नुकसान होता था एक फार्मर को, उसका भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिडक्शन किया है. इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेस बाय प्लांट्स, मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स को, प्लांट्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज किया है मिनरल्स को यूज करने के लिए. ठीक है, जिससे कि इससे क्या होगा, फिर अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सोयल नहीं होगा, यानी कि फर्टिलिटी ऑफ सोयल जल्दी से लूज नहीं होगी. ठीक है, प्लांट्स क्या है, प्रॉपर मिनरल्स को यूज करेंगे. ठीक है, उसके बाद वो अच्छे मिनरल्स डिकम्पोजिशन की हेल्प से ही अच्छे मिनरल्स और बनेंगे, जिसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा जल्दी लूज नहीं होगी. एनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जाम्पल गोल्डन राइस, वाइटामिन ए एनरिच्ड राइस हो गया. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स थे, उसमें क्या क्या देखा कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए मेजरली प्लांट में. पहला तो एबायोटिक रेजिस्टेंस के, एबायोटिक स्ट्रेस के रेजिस्टेंट कर दिया. ठीक है, दूसरा केमिकल पेस्टिसाइड्स के लिए रिलायंस कर दिया, उस पर रिलाई नहीं करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से पेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाया, अगर पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट बन गई. ठीक है, उसके बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस को इंक्रीज करता है फॉर प्लांट्स. ठीक है, जिससे सोयल की फर्टिलिटी जो है जल्दी लूज नहीं होगी. ठीक है, उसके बाद जो उसका न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड है, उसको इंक्रीज करता है. जैसे कि हमने क्या किया था, गोल्डन राइस था, उसमें पहले जो नॉर्मल राइस था वाइट इन कलर था, उसमें क्या था, वाइटामिन ए कंटेंट लो था. ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाई किया प्लांट को, उसमें क्या कर दिया, वाइटामिन ए कंटेंट इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो हल्का येलो आ गया, कुछ इस तरह से कलर आ गया. और इस तरह के कलर को इसने क्या कह दिया कि ये तो गोल्डन राइस है, अलग से उसको नाम दे दिया कि ये गोल्डन राइस है. ठीक है, इन एडिशन टू दीज यूजेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉडिफिकेशन हैज बीन यूज्ड टू क्रिएट ट्रेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल्स. इनसे हटके इंडस्ट्री के लिए क्या क्या यूज हुआ है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का इन प्लांट्स, उन्होंने क्या किया है, इन फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, यानी कि मेडिसिनल लेवल पे उसका, लोकल लेवल पे फ्यूल्स का यूज करना. ठीक है, और कुछ क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी एनहेंसमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज को हेल्प किया है, उसको एनहेंस करके हेल्प किया इंडस्ट्री को. ठीक है,
Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plant, which could be decrease the amount of pesticide uses. ठीक है, इसलिए pesticides डालने ही नहीं पड़ेंगे, हम genetically modify crop करके डालेंगे, उसपे already pest का resistance होगा, तो उसमें हमें आगे से pesticides डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस फ्रेंजेनेसिस बीटी फॉर शॉर्ट. ठीक है, बीटी किससे, बीटी क्या बनाता है, बैसिलस फ्रेंजेनेसिस क्या बनाता है बेटा, बीटी टॉक्सिन एक केमिकल है, वो प्रोडक्शन करता है, एक टाइप ऑफ केमिकल या फिर टॉक्सिन है, ये प्रोडक्शन करता है. ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट विदाउट नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड. ठीक है, इसमें क्या किया, इसको मॉडिफाई किया पहले, तो बीटी को क्या किया, बैसिलस फ्रेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया, मॉडिफाई किया, क्योंकि ये क्राउन गोल डिजीज कोज कर सकता था प्लांट में, ये करता है या फिर दूसरा करता है बताओ मुझे, एग्रोबैक्टीरियम करता है, एग्रोबैक्टीरियम. ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. इसमें क्या होता है, ये प्लांट में इंसर्ट कर दिया जाता है, प्लांट की सेल्स के साथ साथ ये डिवाइड करता है. ठीक है, हर सेल में पहुंच जाता है बीटी टॉक्सिन. ठीक है, इन इफेक्ट टू क्रिएट अ बायोपेस्टिसाइड, फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन भी प्रोडक्शन किया गया, बीटी राइस, बीटी कॉर्न, बीटी पोटेटो, बीटी टोमेटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा भी दिया गया है. बीटी कॉटन में क्या आता है देखो, मेनली पढ़ते, हालांकि फर्स्ट प्लांट टू बी जेनेटिकली मॉडिफाइड वॉज बीटी टोबैको. ठीक है, टोबैको प्लांट था जो जेनेटिकली बाय वो किया गया था, मॉडिफाई किया गया था. ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे बीटी को, उन्होंने क्या किया था, इसमें क्या होता है, बैसिलस फ्रेंजेनेसिस की कुछ सर्टेन स्ट्रेन होते हैं जो क्या करती हैं, एक टाइप ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, बीटी टॉक्सिन. ठीक है, और जैसे ही इंसेक्ट या फिर पेस्ट प्लांट पे फीड करता है, वो टॉक्सिन उसके अंदर चला जाता है, और उसके गट का पीएच होता है एल्केलाइन पीएच, अप्रोक्सीमेट 8 या 9 होता है, अप्रोक्सीमेट 10 होता है, तो वहां जाने के बाद जो है वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी क्रिस्टल्स में कन्वर्जन होने की वजह से वो क्या कर देता है, उसके गट को चीर फाड़ देता है और उसको गट को पूरा खराब कर देता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो मर जाता है. ठीक है, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिन कॉल्ड इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन. इसमें क्या होता है कि बीटी टॉक्सिन बताया तो है मैंने, उसका प्रोटीन होता है जिसको हम इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, अब इसने कहा है कि व्हाई डू टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस, देखो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से, कितनी बार तो मैंने खुद करवाया. ठीक है, क्यों नहीं मारता है, क्योंकि उसको इनएक्टिव होता है, वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है, इनएक्टिव जब होता है वो प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में होता है. ठीक है, उसको जो टॉक्सिन है जो इंसेक्ट खा रहे हैं वो भी इनएक्टिव टॉक्सिन ही खा रहे हैं, लेकिन एक्टिव कब बनेगा, जब उसके गट में पहुंच जाएगा, एल्केलाइन पीएच मिल जाएगा उसको, उससे क्या बना देगा, वो सोल्यूबिलाइज क्रिस्टल्स बना देगा. ठीक है, जिसकी वजह से एक्टिविटी टॉक्सिन जो है सरफेस ऑफ मिडगट ऑफ इट एपिथेलियल सेल्स पे बाइंड कर जाएगा, और उसको क्या करेगा, क्रिएट पोर्स दैट कॉज स्वेलिंग एंड लाइसिस, इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, पहले वो उसको पोर क्रिएट कर देगा, उसमें फिर उसकी स्वेलिंग कर देगा, वो फूल जाएगा वो इंसेक्ट, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, हटके बेचारा मर जाएगा. ठीक है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस फ्रेंजेनेसिस एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप प्लांट्स सच एज कॉटन. ठीक है, बीटी कॉटन क्या था, जिसमें बीटी टॉक्सिन जो था उसका कुछ पर्टिकुलर जीन जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ओनली वो वाला जीन आइसोलेट किया गया था, ट्रैक्टर की हेल्प से प्लांट में इंसर्ट किया गया था, फिर प्लांट में डिवाइड किया था, तो ऑलमोस्ट सभी सेल्स में वो पहुंच गया था. ठीक है, वहां पहुंचने के बाद ही उसने क्या किया था, हर सेल में वो इनकॉर्पोरेट कर दिया था. द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट, जो चॉइस ऑफ जीन है वो डिपेंड करते हैं किस टाइप के पेस्ट को तो मारना चाहते हैं और किस टाइप के क्रॉप में इंसर्ट कर रहे हैं. एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन जो होते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं. टॉक्सिन इज एनकोडेड बाय अ जीन कॉल्ड Cry1AC नेम्ड क्राइजीन. ठीक है, जो टॉक्सिन होता है क्राइजीन, देयर इज अ नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जांपल द प्रोटीन एनकोडेड बाय जीन Cry1AC एंड Cry2AB कंट्रोल द कॉटन बोलवर्म, दैट ऑफ Cry1 कंट्रोल द कॉर्न बोरर. ठीक है, देखो जो टॉक्सिन है
मान लो वो दो टॉक्सिन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि क्राइटॉक्सिन है, उस क्राइटॉक्सिन के भी दो प्रोटीन्स हैं। पहला है क्राई 1AC एंड दूसरा है क्राई 2AB। ठीक है, जो क्राई 1AC है, ठीक है, क्राई 1 एंड क्राई 2 दोनों ही मिलके, एसी एंड एबी दोनों ही मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? कॉटन बॉलवर्म्स को कंट्रोल करते हैं। बोलवॉर्म्स में, वो बोलवॉर्म्स क्या होते हैं ये देखो, यहाँ पर ये जो बोल में क्या कर रखा है, पूरा खट्टा घट्टा कर रखा है, ये देखो, ये यहाँ पर पूरा जो बोलवॉर्म ने क्या कर रखा है, उसको खा रखा है पूरे को, जिसको हम, जैसे हम हरियाणवी भाषा की अगर बात करें, इसको हमारे टिंडा बोलते हैं, टिंडा। ठीक है, तो उस टिंडे को क्या कर रखा है, पूरा होल क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से कॉटन की क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाती है, वो कॉटन को खराब कर देती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ क्राई 2AB, क्राई 1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। यहीं पर क्राई 1AB की बात कर रहे हैं, ये क्राई 2AB है और क्राई 1AC है, दोनों मिलके तो बोलवर्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और क्राई 1AB, क्राई 1AB जो किसको करता है, कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर जो मक्के का होता है ना, उसमें मक्के के में भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं, जब मकई होते हैं उसमें होते हैं ना ऐसे ऐसे घट्टे से, उनको कंट्रोल कर। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या होता है, सेवरल नेमेटोड पैरासाइट्स अवॉइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेवरल नेमेटोड पैरासाइट्स अवॉइड वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। नेमाटोड मेल्यूडिजाइन इनकोग्निशिया इन्फेक्ट द रूट ऑफ टबैको प्लांट। ठीक है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम देखेंगे कि कुछ एक टाइप है, चलिए, एक नेमेटोड है जिसका नाम है मेल्यूडिजाइन इनकोग्निशिया, जो क्या करता है, जो टोबैको प्लांट है उसके रूट्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, जिसकी वजह से रिडक्शन में क्या होता है, कमी आ जाती है। नोवल स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड टू प्रिवेंट द इन्फेस्टेशन विच वाज बेस्ड इन प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, इसको हटाने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए एक जो है स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई थी, जिसमें क्या था, जिसको हम बोलते हैं आरएनएआई, जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। वहां पे क्या हुआ था, आरएनए को इंटरफेयर करके उसका जीन जो स्ट्रक्चर है वो चेंज किया गया था, उसके फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन जो थे उसको चेंज किया गया था। ठीक है, आरएनए टेक्स प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एज अ मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। बिल्कुल, सेलुलर डिफेंस के लेवल पे आरएनए सब में होता है। दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है, जो हमारे पास नॉर्मल जो आरएनए होता है, नॉर्मली आरएनए जो होता है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, लेकिन जब हम आरएनए इंटरफेरेंस डाल देते हैं उसमें, तो जो आरएनए है वो कैसा हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है, जिससे वो क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटी लॉस कर देता है, उसकी फंक्शनैलिटी को लॉस कर देता है। ठीक है, मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू द प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए साइलेंसिंग, जहां पे क्या होगा, दिस मेथड इनवॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक है, वो स्पेसिफिक एमआरएनए उसको डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट बाइंड एंड प्रिवेंट अ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए। ठीक है, वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एमआरएनए में कन्वर्ट करेगा, जो एमआरएनए उसके साथ बाइंड कर देगा उसको डबल स्ट्रैंडेड कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से उसकी साइलेंसिंग हो जाएगी, उससे जो प्रोटीन फॉर्मेशन होना था वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, द सोर्स फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट दैट इज ट्रांसपोजोम्स। जो आरएनए आया है एक्स्ट्रा, वो कहाँ से आ सकता है, किसी वायरस के इन्फेक्शन से भी आ सकता है, कि चलो वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, उसका जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी में पहुंच गया, उसने इनकॉर्पोरेशन शो कर दिया, उसने कंपेटिबिलिटी दिखा दी, उसने हाईजेक कर लिया मशीनरी को, जिसकी वजह से उसने एक एमआरएनए बना के उसका पूरा फंक्शनिंग रोक दिया।
दूसरा हो सकता है कि हमारी बॉडी में ही जो ट्रांसपोजोन्स प्रेजेंट है उनकी वजह से हो गया हो। ट्रांसपोजोन क्या होते हैं? जंपिंग जोन, जंपिंग जीन्स जिनको हम बोलते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं? हमारे जंपिंग जीन्स होते हैं, जंपिंग जीन। यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर नेमाटोड स्पेसिफिक जीन वर इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट प्लांट। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम में क्या किया गया था? एग्रोबैक्टीरियम को यूज करके ही क्या किया गया था? जीन वर इंट्रोड्यूस टू होस्ट प्लांट। ठीक है, दिस इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वो सच दैट इट प्रोड्यूसेस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन द होस्ट सेल। ये जब एग्रोबैक्टीरियम को टोबैको में इंसर्ट करवाया गया था तो उस टाइम क्या हुआ था? एग्रोबैक्टीरियम का कुछ स्पेसिफिक जीन करवाया गया था इंसर्ट, जो क्या करता था? सेंस और एंटीसेंस दोनों टाइप के एमआरएनए के सिंथेसिस करवाता था। दीज टू आरएनए बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर फॉर्म आर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे तो एक दूसरे के साथ कोइल होकर क्या बना लेते थे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। दैट इनिशिएटेड आरएनए आई एंड थस साइलेंस द स्पेसिफिक एमआरएनए। ठीक है, जिसकी वजह से आरएनए इनिशिएट हो जाती थी और क्या बना देती थी वो? आरएनए स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ द नेमाटोड। नेमाटोड्स के साथ जो है वो कंबाइन होता था, जिसकी वजह से उसका साइलेंसिंग हो जाता था, इसकी वजह से उसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नहीं हो पाता था। ठीक है, एमआरएनए को क्या कर देता था? साइलेंस कर देता था। द कॉन्सिक्वेंस वाज दैट स्पेसिफिक पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है, इसने बताया था कि कॉन्सिक्वेंस क्या था कि जो पैरासाइट है वो कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट, जो ट्रांसजेनिक होस्ट उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, जो क्या है? स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए को एक्सप्रेस कर रहा है। द ट्रांसजेनिक प्लांट देयरफॉर गॉट इटसेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, जिसकी वजह से जो प्लांट है वो क्या हो गया था? बच गया था। ये देखो, ये रूट्स है, इसमें क्या है? ये अफेक्टेड रूट्स है। अफेक्टेड रूट में आप देख सकते हैं किस तरह से बल्ब्स बने हुए हैं, बल्ब्स किस तरह से बल्ब्स बने हुए। ठीक है, दूसरे में ट्रांसजेनिक प्लांट में 5 days आफ्टर डेलिबरेटिंग इन्फेक्शन ऑफ नेमाटोड बाय प्रोटेक्शन थ्रू नोवल मैकेनिज्म। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया है? ये बच गया है। चलिए, आफ्टर दैट बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन मेडिसिन क्या क्या है? बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या क्या है? The recombinant DNA technology processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production. The recombinant DNA technology process है, उसने क्या किया है? Impact दिया है area of healthcare पे। किस लिए? कैसे effect किया उसको? By enhancing the enabling the mass production of safe and more effective therapeutic drugs को increase, उसकी yield को increase करके। ठीक है, फर्दर रिकॉम्बिनेंट थेरापिटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जो कि रिकॉम्बिनेंट थेरापिटिक्स होती है हमारे पास, वो अनवांटेड इम्यून रिस्पॉन्स को एनहेंस नहीं करती, एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या है? एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो एज इट इज ही प्रोडक्ट दिखाती है, जैसे कि जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज से लिया गया है। At present, about 30 recombinant therapeutics have been approved for human use world over. The India has 12 of these presently being marketed. India में 12 है, total world में 30 recombinant therapeutics हैं। ठीक है, 30 बन चुके हैं, लेकिन India में कितने हैं? 12 हैं। चलिए, पहला अगर हम देखें genetically engineered insulin की बात करते हैं, जो diabetes treatment में majorly use किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। ठीक है, अडल्ट ऑनसेट में जब डायबिटीज हो जाती है उसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? इंसुलिन के पर्टिकुलरली डोज लेते रहेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल? अगर नहीं होता तो वो क्या करता? इसका सवाल आगे देखते, इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा। इफ यू डिस्कस्ड दिस यू वुड सून रियलाइज दैट वन वुड हैव टू आइसोलेट दिस इंसुलिन फ्रॉम अदर एनिमल्स, जैसे कि पिग और काउ से। अगर हमारी बॉडी में ही नहीं होता तो की बात है, तो हम क्या करते? आर्टिफिशियली उसको लेते ना। ठीक है,
Would the insulin isolated from other animal be just as effective as the secreted by the human body itself? क्या सेम टू सेम ऐसा इफेक्ट शो करेगा? एंड वुड नॉट एलिकेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन ह्यूमन बॉडी? और कुछ एलर्जिक और एलिकेट इफेक्टिव नहीं दिखाएगा कि हाँ कुछ अपोजिट रिएक्शन शो करे? ऐसा नहीं होगा. तो इसके बारे में इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा. नाउ इमेजिन इफ बैक्टीरियम वर अवेलेबल दैट कुड मेक ह्यूमन इंसुलिन. अगर बैक्टीरिया अवेलेबल होता सडनली द होल प्रोसेस बिकम सो सिंपल. बैक्टीरिया को हम कल्चर करते लार्ज स्केल पे, उसका कल्चरिंग करते, उसके बाद बायोरिएक्टर्स में डाल के इंसुलिन बना लेते. यू कैन इजिली ग्रो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड मेक सच इंसुलिन एज यू नीड. जितना में चाहिए उतनी क्वांटिटी उतनी क्वालिटी हम बना लेते उसकी. थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ऑरली एडमिनिस्ट्रेशन टू अ डायबिटिक पीपल और नॉट और वाई. ठीक है. इंसुलिन यूज फॉर डायबिटीज वॉज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स. कैटल एंड पिग्स में से निकाला जाता था, उनकी पैनक्रियाज से निकाला. इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स थ्रो कॉज द सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जिक और अदर टाइप ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन. इसीलिए बॉडी ने क्या किया था, क्योंकि वो दूसरे एनिमल से निकाला गया था, इसीलिए बॉडी ने क्या किया था, थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन क्या कर दिया था, दिखा दिया. इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन. इंसुलिन क्या कंसिस्ट करता है शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है. इसमें चेन ए एंड बी आर लिंक्ड टूगेदर बाय अ डाइसल्फाइड ब्रिज. दोनों एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी होती है, डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी. ये बी है, ये ए है, और एक ये ऊपर जो है वो सी है. ठीक है. इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो हार्मोन लाइक प्रो एंजाइम और प्रो हार्मोन इज आल्सो नीडेड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम फुली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन. ये क्या है, एक प्रो हार्मोन है. प्रो हार्मोन या फिर प्रो एंजाइम. ठीक है. उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा. प्रोसेस के बाद क्या बनेगा, वो मैच्योर बनेगा. विच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कॉल्ड सी पेप्टाइड. इसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सी पेप्टाइड. दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन. जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें प्रेजेंट नहीं होती है. ठीक है. एंड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इंटू इंसुलिन. जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है उस टाइम पे सी पेप्टाइड जो है वो रिलीज हो जाती है. देखो अगर हम यहाँ पर देखें, छोटा सा डायग्रामेटिक सेक्शन हम देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया, प्रो इंसुलिन में कौन सी पेप्टाइड है, ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है. प्रो इंसुलिन किस में कन्वर्ट हो गया, इंसुलिन में, जो कि कैसा है, मैच्योर है. इसमें दो टाइप के पॉलीपेप्टाइड है, पहला ए प्लस बी और दूसरा सी. ठीक है. ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. चलिए द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल इनटू अ मैच्योर फॉर्म. ठीक है. सबसे मेन चैलेंज क्या था, कि इमैच्योर से मैच्योर फॉर्म में होना चाहिए वो, हमारे पास कैसा हो ऑलरेडी मैच्योर फॉर्म. इन 1983 एली लिली एन अमेरिकन कंपनी prepared two DNA sequences corresponding to A and B. A and B polypeptide के corresponding उन्होंने देखा, क्योंकि A और B क्या polypeptide है. Polypeptide में क्या होता है, amino acid sequence है. Amino acid से उन्होंने mRNA की sequencing की, mRNA से उन्होंने complementary strand के हिसाब से DNA की sequencing की. तो उन्होंने क्या बना दिया, A और B DNA बना दिया. Chains of human insulin introduced them into plasmid of E. coli. E. coli का जो plasmid था उसमें क्या कर दिया, उसको insert कर दिया. टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, उसने क्या, ताकि वो इंसुलिन चेन बना सके. चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली. दोनों को क्या बना दिया गया था, सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया था. एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉम्ब टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन. और उसको क्या किया था, बाहर निकाल लिया था, दोनों डीएनए को आइसोलेट कर लिया था. आइसोलेशन के बाद दोनों को क्या कर दिया था, आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉम्ब फॉर्मेशन करवा दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या प्रोडक्शन करवाया था, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाया. ठीक है. ये होगी थेरापेटिक वैल्यू, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, कि किस तरह से हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना दिया. ठीक है. पहली थेरापेटिक वैल्यू थी. दूसरी थेरापेटिक वैल्यू क्या है, जीन थेरेपी. ठीक है. टारगेट जीन थेरेपी. इसमें क्या होगा, इफ अ पर्सन इज बॉर्न विद अ हेरिडेटरी डिजीज, अगर किसी पर्सन में कोई हेरिडेटरी डिजीज, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच डिजीज, क्या कुछ
ऐसे डिजीज के लिए कोई करेक्टिव थेरेपी ली जा सकती है? व्हाट डू यू थिंक? जीन थेरेपी इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी प्रोसेस को यूज कर. जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउ. जीन थेरेपी क्या है? एक कलेक्शन ऑफ मेथड है जो अलाउ करता है करेक्शन ऑफ जीन्स की, जो कि डिफेक्टिव है हमारी बॉडी में, जो डायग्नोज किए थे उसके चाइल्ड या एम्ब्रियो स्टेजेस पे. ठीक है. हेंस हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट अ डिजीज. यहाँ पर क्या होगा, एक टारगेट जीन क्या कर दिया जाएगा, इंसर्ट कर दिया जाएगा किसी टिश्यू में या किसी सेल में, सो दैट की जो जीन है, जो डीएनए है, सॉरी जो जीन है, डिफेक्टिव जीन है, उसको करेक्ट किया जा सके. करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्टिव इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक कवर द फंक्शन एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन. जो जीन अफेक्ट हो गया, डिफेक्टिव है, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर से कोई मॉडिफाइड जीन जो उसका काम करे वो जीन डाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो भी अपना फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करेगा इनकॉर्पोरेट होके हमारे जो ह्यूमन डीएनए के साथ. ठीक है, जो जीनोमिक डीएनए उसके साथ इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एज आई टोल्ड किसी के साथ ओआरआई के पास जाके इंसर्ट हो जाएगा, ओआरआई के पास जाके वहीं से रेप्लिकेशन हो जाएगा, वहीं से एमआरएनए बन जाएगा, वहीं से प्रोटीन बन जाएगा जिससे उसका एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. द फर्स्ट क्लिनिक जीन थेरेपी वॉज गिवन इन 1990. सबसे पहली जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में, एक 4-year-old गर्ल थी जो कि आज भी जिंदा है, विद एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसमें क्या थी, एडिनोसाइन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी थी. दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हमारी बॉडी इम्यूनिटी अच्छे से काम कर सके. द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसाइन डीएमिनेज. ठीक है, वो किसकी वजह से हुआ था, जहां बॉडी में डिसऑर्डर हो गया था, किस वजह से हुआ था, क्योंकि वहां पर जीन जो था वो डिलीट हो गया था, जो इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता था, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था. ठीक है. इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी कैन बी क्योर्ड बाय डन बोन मैरो ट्रांसप्लांट. ठीक है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट अगर करवाए तो उससे भी हो सकता है. इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. ठीक है, दूसरों में क्या होता है, इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेस्ड थेरेपी. एंजाइम रिप्लेस करके हम वो थेरेपी दे सकें उसको. इन विच फंक्शनल एडी इज गिवन टू द पेशेंट बाय इंजेक्शन, जिसमें सीधा फंक्शनल एडी दिया जाता है पर्सन को. ठीक है, लेकिन वो फिर क्या है, वो टाइम टू टाइम देना पड़ता है. अगर जीन इनकॉर्पोरेट हो गया तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम एडीए फंक्शनली इंजेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम टू टाइम देना पड़ता है. द प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ दीज अप्रोचेस आर नो दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव. लेकिन परेशानी ये थी कि वो दोनों ही क्या है, कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं. एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड जीन थेरेपी, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट्स आर ग्रोन इन अ कल्चर आउटसाइड द बॉडी. लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स. बी और टी सेल्स को क्या किया, बी सेल्स क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है. ठीक है, प्लस में मेमोरी बनाती. ठीक है, तो इसीलिए लिम्फोसाइट्स का क्या किया गया, कल्चरिंग किया गया. ठीक है, अ फंक्शनल एडीए या फिर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यूजिंग रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स. ठीक है, उसके बाद इस लिम्फोसाइट में क्या किया गया, जो एडीए सी डीएनए है वो डाला गया, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट. उसके बाद वो जो ब्लड था वो वापिस से पेशेंट में डाल दिया गया. हाउएवर दीज सेल्स आर नॉट इमोर्टल. हालांकि ये सेल्स इमोर्टल नहीं होते. दीज पेशेंट्स रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट्स. इसीलिए क्या होता है, अमर नहीं होती ये सेल, इसीलिए इन सेल्स को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम रिप्लेस करना पड़ता है. यानी कि जैसे कि बी सेल्स हैं, बी सेल्स का लाइफ स्पेन देखा जाए, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन अगर देखा जाए तो 120 डेज का होता है. ठीक है, इसी तरह से बी और टी सेल्स का भी सर्टेन टाइम के लिए क्या होता है, मेमोरी होती है, कुछ टाइम की क्या होती है, मेमोरी होती है. ठीक है, इसीलिए उन जो बी और टी सेल्स हैं वो मेमोरी बना देती हैं, लेकिन वो क्या होती है, वो भी डेड हो जाती है सम टाइम के बाद. तो इसीलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये चीज फिर से करनी पड़ेगी, फिर से लिम्फोसाइट्स निकालनी पड़ेगी, कल्चर करना पड़ेगा, सी डी एन ए ऑफ एडीए डालना पड़ेगा और फिर से उसको ब्लड को वापस पेशेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. हाउएवर इफ जीन आइसोलेटेड फ्रॉम मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, इट कुड बी परमानेंट, इट कुड हैव अ परमानेंट क्योर. अगर हमने उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंसर्ट करवा दिया बॉडी में, तो उस टाइम पे बॉडी डिवाइड हो रही है, सभी इनकॉर्पोरेटेड सेल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, वह जीन उसके अंदर पहुंच जाएगा और जब बेबी मैच्योर होगा तो मैच्योरिटी के साथ साथ वो पूरी बॉडी में फैलता जाएगा और अच्छे से वो पूरा जो है वो क्योर हो जाएगा. उसमें फिर एक होगा परमानेंट क्योर, उसमें हमें बार बार दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ बार बार हमें
वो चीज परफॉर्म करना पड़ रहा है, ठीक है, वो तो टारगेट जीन थेरेपी। थर्ड है हमारे पास मोलिकुलर डायग्नोसिस, कि मोलिकुलर लेवल पे हम डायग्नोज कैसे करेंगे। यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अर्ली डायग्नोसिस, किसी भी डिजीज के अर्ली डायग्नोसिस के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है, किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज यही होती है कि हम उसका अर्ली स्टेज पे डायग्नोज कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कैंसर की, जो कैंसर होती है, ठीक है, माना जाता है कि थर्ड और फोर्थ स्टेज में अगर वो है तो वो क्योर नहीं हो सकती, कांट बी क्योर, ठीक है। लेकिन अगर उसी को हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें यानी कि फर्स्ट स्टेज या फिर सेकंड स्टेज या फिर किसी स्टेज पे हम उसको डिटेक्ट कर लें, ठीक है, फर्स्ट सेकंड स्टेज में हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे तो दैट कैन दैट वुड लीड टू अ मतलब होप कि हाँ कुछ होप है ठीक होने की, तो वहां पर हम अपने हाथ पैर मार सकते हैं थोड़ा सा कि हाँ चलो 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 समथिंग हम ट्राई करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं जिससे क्या हो हम कैंसर को क्योर कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर वो थर्ड फोर्थ स्टेज में हो रही है तो क्योर नहीं कर सकते, तो इसीलिए किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसका अर्ली स्टेज डायग्नोसिस, ठीक है। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस एक्सेट्रा अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इस चीज के लिए जैसे कैंसर वगैरह इन चीजों के लिए अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे एलाइजा आर सम ऑफ द टेक्निक दैट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। ये सब कैसी चीजें हैं जो डायग्नोसिस के काम आती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं कि किस तरह से किस जीन में डिफेक्ट, अगर वो जीन सही है तो वो वही फंक्शन देगा, वही प्रोटीन बना देगा, लेकिन सही नहीं है तो वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, या फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम पर्टिकुलर जीन को एम्प्लीफाई करके देख सकते हैं किस तरह से उसकी फंक्शनिंग एनहेंस हो रही है, या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे टेक्निक से हम देख सकते हैं किसी भी डिजीज का अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया और वायरस एक्सेट्रा इज नॉर्मली सस्पेक्टेड ओनली व्हेन पैथोजन हैज प्रोड्यूस्ड अ डिजीज सिम्टम, ठीक है, किसी भी पैथोजन की प्रेजेंस तब सस्पेक्ट की जाती है जब उस डिजीज का कोई पर्टिकुलर सिम्टम हो, ठीक है। कॉमन कोल्ड को हम कब मानते हैं, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है, जब बॉडी उसके अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर देती है, जब हमें एक फिजिकल सिम्टम दिखाई देता है कि ओहो नाक बंद हो गई है, गला खराब हो गया है, कुछ ठीक सा नहीं लग रहा है, यहाँ पे खराश खराश हो रही है, खांसी आ रही है, तब हम देखते हैं कि हाँ ये सिम्टम्स किसके, कॉमन कोल्ड के, तभी हमें डिजीज का पता चलता है जब हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बाय दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन बॉडी, लेकिन जब तक सिम्टम्स दिखते हैं तब तक पैथोजन की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत 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 हाई हो चुकी होती है बॉडी में, ठीक है। हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर, ठीक है। पीसीआर से हम क्या करेंगे, एम्पलीफाई कर लेंगे उसको, परफॉर्म करेंगे फंक्शन को, तब हमें परफॉर्म करेंगे पीसीआर को, तब हमें पता चलेगा कि ओहो पार्टिकुलर जीन भी है इस बॉडी में जो फर्दर आगे जाके और एम्पलीफाई हो सकता है यूजिंग होस्ट मशीनरी, इसीलिए इसको क्या करना, कंट्रोल करना। पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, बिल्कुल ठीक है, पीसीआर यूज किया जाता है, क्वांटिटेटिव पीसीआर यूज करते हैं। इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशन इन जीन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स, टू पेशेंट्स के कैंसर पेशेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है, ये देखने के लिए किसी पर्टिकुलर जीन में क्या है, म्यूटेशन है या नहीं है। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी क्या है ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। चलिए, अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। इसमें क्या होता है कि कोई एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, ठीक है, उसको रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ टैग कर देंगे जिसको हम कहेंगे प्रोब, इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। किस लिए अलाउ किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए, टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जाके वो डीएनए के साथ इंकॉर्पोरेट हो गया, उसमें हम ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म करेंगे सेल्स में, तो हमें इनफ्लोरोसेंस दिखाई देगी, जो प्रोब थी रेडियोएक्टिवली क्या करेंगे, इनफ्लोरोसेंस शो करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कहां कहां पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी प्रेजेंट है। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर द पैथो फोटोग्राफिक फिल्म, लेकिन अगर देखो अगर नेचुरल हमारे पास सीक्वेंस प्रेजेंट है, जहां जहां नेचुरल सीक्वेंस है वहां वहां पे जाके प्रोब्स अटैच हो जाएंगे, लेकिन जहां पर
म्यूटेशन हो रखा है, जहां पे जीन रिप्लेसमेंट हो रखा है, वहां पे बोन फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वहां पे प्रोब अटैच नहीं होगा, जिसकी वजह से वहां पे फ्लोरोसेंस भी नहीं आएगी। इस वजह से हम पता लगा सकते हैं कि जो जहां पे फ्लोरोसेंस नहीं हुई है वो एरिया क्या है, वो म्यूटेटेड एरिया है, ठीक है। बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद म्यूटेटेड जीन, ठीक है। एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। एलाइजा में जो है वो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स में यूज किया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि एलाइजा में पहले हम एलाइजा में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं, वो देखते हैं किट के हिसाब से देखते हैं, किट के हिसाब से देखते हैं। एंटीजन होता है ट्रे किट में, उस पर फिर हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में जो उस चीज के लिए एंटीबॉडी बन रखी है कि नहीं बन रखी है। अगर हमारी बॉडी में वो एंटीजन एंटर कर गया है तो उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडी जरूर बनाएगी, तो वो एंटीबॉडी किस में मिलेगी, सीरम में मिलेगी, ठीक है। उसी हिसाब से हम सीरम में से क्या करेंगे, एंटीबॉडी कलेक्ट कर लेंगे, और वहां से एंटीबॉडी कलेक्ट करके फिर एलाइजा जब परफॉर्म करेंगे तो वहां देखेंगे कि बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडी हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन ऑफ पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। यही तो देखेंगे कि एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी की लेयर अगर है, एंटीबॉडी की लेयर अगर है तो हम ये देखेंगे, देखो एंटीबॉडी की लेयर अगर है तो हम ये देखेंगे उसमें क्या होता है बेटा, उसमें एलाइसा उसको बोलते तो हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को नाम भी, मैं एक तो ना सैंडविच एलाइजा, हाँ सैंडविच एलाइजा आ गया, ठीक है। सैंडविच एलाइजा, सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, सैंडविच एलाइजा में क्या होता है, हमारे पास जो ट्रे आती है उसमें एंटीबॉडी होती है, कोटेड एंटीबॉडी ऑलरेडी, ठीक है। फिर हम उस पर क्या डालेंगे, एंटीजन बाइंड करेगा उस पर, फिर से उसके बाद क्या करेगा, एंटीबॉडी, ये प्राइमरी एंटीबॉडी, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या, सैंडविच एलाइजा, जिसमें लेयर्स बनेंगी, ऊपर नीचे एंटीबॉडी, बीच में एंटीजन, ठीक है। इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी पैथोजन को, किसी भी डिजीज को, किसी भी अफेक्टेड पर्सन को, कि हाँ इसमें पर्टिकुलर एंटीबॉडीज बन रखी है कि नहीं बन रखी है। हम एंटीबॉडी फॉर्मेशन के इस हिसाब से देखेंगे एलाइजा, अगर एंटीबॉडी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हम एलाइजा परफॉर्म करेंगे, अगर जीन के प्रेजेंस में देख रहे हैं तो हम पीसीआर परफॉर्म करेंगे, एम्पलीफाई करके उस जीन को हम पीसीआर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट नेक्स्ट है, पहला तो था ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्रॉप्स, अब बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, ठीक है, कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ देखने को मिला, हमने क्या क्या यूज हुआ ट्रांसजेनिक एनिमल्स में बायोटेक्नोलॉजी का। एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पॉजिट एंड एक्सप्रेस एंड एक्स्ट्रा जीन इज नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल। एक ट्रांसजेनिक एनिमल किसको कहेंगे, जिसमें एक एक्स्ट्रा जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, जो हमारी बॉडी का नहीं होगा, जो बाहर का हो, कोई फॉरेन जीन हो, ठीक है, लेकिन वो इनकॉर्पोरेट हो रखा होगा एनिमल बॉडी के साथ, ठीक है, उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन जो इनकॉर्पोरेशन है दैट वुड हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट, नॉट अ नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, स्पिप, काउज, फिश हैज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ऑल्दो ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें 95% जो है माइस है, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी पे काम किया गया है, ठीक है। व्हाई आर दिस एनिमल बीइंग प्रोड्यूस, हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस। देखो माइस पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम हमने देखा है कि माइस पे ही एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि उसका जीनोमिक जो नेचर है वो ह्यूमन से काफी हद तक मैच करता है। कोई हमें देखना है कि वैक्सीन बनाया है या फिर कोई वायरस की देखनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें वो वायरस इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम उसमें वैक्सीन डालेंगे, उसके बाद हम उसमें वैक्सीन डालेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि जिस कौन माउस, माइस, कौन सा माइस जो है वो जिंदा रहता है आफ्टर इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन, कौन सा अफेक्टेड रहता है, तो हम ये देख सकते हैं उसके, ठीक है। आफ्टर दैट चलिए अब क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए लेट अस ट्राई एक्सप्लोर सम कॉमन रीजंस, क्यों नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। देखो
हम एनिमल्स को स्टडी क्यों करते, ताकि ये देखने के लिए जो उसमें पर्टिकुलर जीन है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है, उसका बॉडी एक्सप्रेशन क्या है, उस जीन का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर हमने उसको डिलीट कर दिया तो क्या एक्सप्रेशन रहेगा, उसको मल्टीप्लाई टाइम ऐड कर दिया तो उसका क्या एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसके फिजियोलॉजिकल कंडीशन और उसका डेवलपमेंटल इफेक्ट देखने के लिए हम देखते हैं कि फर्दर जो एनिमल्स है उसको हमने क्यों मॉडिफाई किया है. ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट एल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर बाय स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड अबाउट द बायोलॉजिकल रोल द फैक्टर इन अवर बॉडी. इसने क्या किया है, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट एल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ दैट रिजल्ट. हमने क्या किया, जैसे कि कुछ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं, हमने उसमें क्या किया, कोई फॉरेन जो जीन है वो इंसर्ट कर दिया, उससे इसकी नेचर फिजियोलॉजी जो थी वो एल्टर हो गई. उसके बाद जो रिजल्ट आया उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहा, हमने ये स्टडी करना है. उसका उससे क्या इंफॉर्मेशन की हमने वो स्टडी करना है. उस इंफॉर्मेशन भी कैसी, जो बायोलॉजिकल रोल रहा है उसका बॉडी में उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में हमें पूरा कंक्लूड करना, पूरा नोटेड करना है. ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ डिजीज में हम हेल्प कर सकता है ये हमें, कि मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल हैव डिजाइन टू इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि किस तरह से फर्दर जीन्स जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अपना, जो जीन्स हैं उनके जो डिजीज है उनके एनहेंसमेंट में, उनके अकरेंस में. दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज इज मेड पॉसिबल. ठीक है, ये स्पेशली किसके लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम ये देख सकें जो ह्यूमन डिजीज है उसको इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करनी है, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सके, उसका ट्रीटमेंट कर सके डिजीज का एट अर्ली स्टेज. इसीलिए टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीज सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स. अल्जाइमर्स के लिए तो जो है ड्रोसोफिला यूज किया गया था, मॉडल ऑर्गेनिज्म एज अ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज किया गया था अल्जाइमर्स डिजीज. ठीक है, कैंसर के लिए शायद से माइस किया गया था, जहां तक मुझे पता है, नॉट येट मच कंफर्म्ड, बट हाँ कैंसर के लिए जहां तक मुझे पता है वो माइस यूज किया था, बाकी आप एक बार कर लेना. ठीक है, आफ्टर दैट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए हमने मॉडिफाई किया एनिमल्स को. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्या आ गया, मेडिसिन थेरेपेटिक पर्पस के लिए, टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम एंटीबॉडीज बनाते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, या फिर कोई डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी माइस में बनाते हैं. ठीक है, बट सच प्रोडक्ट आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है. ट्रांसजेनिक एनिमल देन प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए व्हिच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन used to treat emphysema. Emphysema को treat करने के लिए हमारी body में एक gene present होता है alpha 1 antitrypsin. ठीक है, जो emphysema को treat करता है. Similar attempt are being made for treatment of phenylketonuria. Phenylketonuria disease को treat करने के लिए भी बहुत सारे क्या किए थे, प्रयास किए गए थे. And cystic fibrosis के लिए भी use किया गया था. In 1997, the first transgenic cow Rosie was produced. 1997 में फर्स्ट काउ प्रोड्यूस किया गया था, जो ट्रांसजेनिक काउ थी, जिसका नाम रखा गया था रोजी. ठीक है, प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर. उन्होंने क्या किया था, उसकी मिल्क क्वांटिटी को क्या किया था, इंक्रीज किया था. द मिल्क कंटेनमेंट कंटेन्ड द ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन was nutritionally a more balanced product of human babies than natural cow milk. ये किसलिए किया गया था, जो उसमें था protein enriched milk था, वो उसमें जो production किया गया था रोजी में, जो enhancement किया गया था, जो modification की गई थी, वो इसलिए की गई थी क्योंकि जो normal cow milk होता है वो babies के लिए बहुत heavy रहता है. ठीक है, लेकिन जो modified cow थी उसमें क्या था, जो milk था वो babies की growth के लिए बिल्कुल appropriate था, क्योंकि उसमें क्या था, एक ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन नाम का प्रोटीन था. कौन सा था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन था. ठीक है, क्या था, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन. ठीक है,
इसीलिए वो क्या था, सेफेस्ट था बेबीज के लिए। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी की अगर हम बात करें, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज ऑफ टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमंस। एज आई टोल्ड, माइस यूज किया जाता था, इंजेक्ट करके देखते थे, पहले इसमें वायरस इंजेक्ट किया फिर उसमें वैक्सीन इंजेक्ट किया। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए यूज किया गया था। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, दे कुड बी रिप्लेस द यूज ऑफ मंकीज टू सेट द सेफेस्टी बैच फॉर द वैक्सीन। अगर माइस पे पास हो गया उसके बाद मंकीज पे ट्राई किया जाता था, क्योंकि 99% ऑफ ह्यूमन जीनोम जो है मंकीज के साथ बिल्कुल मैच करता है, 99.9 एक्चुअली, ठीक है, वो मैच करता है, 0.1% ही जो है डिफर करता है, ठीक है, इसीलिए तो क्या है मंकीज पे टेस्ट किया जाता है, फाइनल टेस्टिंग जो होती है वो मंकीज पे ही होती है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, कोई मान लो टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग की, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी बोला जाता है इसको। कोई केमिकल है हमारी बॉडी में, मान लो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट एनहेंस है, एनहेंसर है, लेकिन ये भी तो देखना उसका एलर्जिक रिएक्शन ना हो, कहीं वो स्किन बर्न ना कर दे, ये सब चीजें देखने के लिए। कोई केमिकल है जो हमारी बॉडी में जाता है, द प्रोसीजर इट्स एज सेम एज द फील्ड ऑफ टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिन सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। मोर टॉक्सिन लिखा, मोर सेंसिटिव लिखा है टू टॉक्सिन सब्सटेंस, दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिन सब्सटेंस एंड द इफेक्ट स्टडीड। उसके बाद इफेक्ट को देखा जाता है, पहले उसको टॉक्सिन डाला जाता है, टॉक्सिन सेंसिटिव बनाए जाते हैं ट्रांसजेन करके, फिर टॉक्सिन डाला जाता है, फिर देखा जाता है कि किस हद तक उसका इफेक्ट हो रहा है, किस क्वांटिटी में अफेक्ट हो रहा है। टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, ठीक है, इससे क्या होगा हमें थोड़े ही टाइम में ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। अब एथिकल इश्यूज की बात करते हैं। अब हमने अपने अपने पर्पज के लिए माइस को भी यूज कर लिया, रैबिट को भी यूज कर लिया, मंकीज को भी यूज कर लिया, प्लांट को भी यूज कर लिया, ठीक है, सब कुछ यूज कर लिया, लेकिन इस चीज का हक दिया किसने? इस चीज का हक हमें किसी ने नहीं दिया है कि हम किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे अपने प्लस पॉइंट्स के लिए अफेक्ट करें, उनको उनके उनकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट करें, ठीक है, उनका नेचर को अफेक्ट करें, उनकी जान लें, ऐसा हमारी हमारी किसी ने हमें अलाउ नहीं किया। तो इस चीज के लिए, क्योंकि पहले जो एनिमल्स पे रेंडम टेस्टिंग की जाती थी, कोई भी कहीं से भी आ रहा नत्थू खैरा पकड़ा एनिमल, उस पर टेस्टिंग शुरू कर दी, कोई नहीं पूछता था, लेकिन अब पर्टिकुलरली एथिक्स से बात होती है कि पर्टिकुलर अगर आपको माइस चाहिए, अगर आपकी लैब में काम हो रहा है किसी भी माइस पे, कोई माइस पे या फिर तुम किसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हो लैब में, तो आपको उसके लिए पहले ऑर्डर करना पड़ेगा कि हमें हमारे लैब में 20 माइस चाहिए, 20 चूहे चाहिए, क्योंकि हमें उस पर काम करना, और उसकी फिर गवर्नमेंट जो है सरकार उसकी परमिशन देगी कि हाँ पहले काम बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट बताओ, तुम्हारी चीजें बताओ, उसके बाद हम अलाउ करेंगे। इसी वजह से ही जो है पहले ग्रेजुएशन में क्या होता था, आपसे आपको प्रैक्टिकल दिया जाता था। हाँ जी बोलिए बोलिए, डाउट क्या है बोलिए। पहले आपको क्या किया जाता था, जब हम पास कोर्स परफॉर्म करते थे तो उसमें जो है एनाटॉमी आती है, जियोलॉजी में एनाटॉमी आती है, लिजर्ड की, फ्रॉग की, कबूतर की, ठीक है, इस तरह से। तो हम राना टिग्रीना और लिजर्ड वगैरह है, इन सब की क्या करके देखते थे, पहले टेस्टिंग करके देखते थे। एग एग योक जो आता है उसकी भी हम करके देखते थे, उसको भी फोड़ के देखते थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब सरकार ने इस चीज को कर दिया है बैन, कि अब डाइसेक्शन के लेवल जो है ना मॉडिफाई करके हम बुक्स में ही दे देंगे, हम एक एक पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे बुक में कि कहां पर क्या होता है, लेकिन किसी भी एनिमल को आप यूज नहीं कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए, अपने एजुकेशनल पर्पज के लिए किसी एनिमल को ऐसे आप डाइसेक्ट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ जब डाइसेक्शन है किसी भी चीज का, वो सिर्फ अब रिसर्च में ही अलाउड है, एजुकेशनल पर्पज के लिए अलाउड नहीं है। एथिकल इश्यूज में यही इश्यूज देखते हैं हम कि द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कांट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, ठीक है, आप फटाफट से मैनिपुलेट करते जाओ करते रहो, उसमें कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, उस चीज का क्या फायदा। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू एलिवेट द मोर्टेलिटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड माइट हेल्प द हार्म लिविंग और माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बहुत सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है जो एनिमल्स की लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती है। गोइंग बियॉन्ड द मोरेलिटी ऑफ सच इश्यूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन चीजों के लिए फिर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखना भी जरूर है। मोरल जो एथिक्स है हमारे, उससे हटके हमें ये भी देखना है कि किस तरह से
अरे भाई, मोरल एथिक्स से हटके में ये भी देखना है उस चीज के हमारे पास बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है और क्या इंपोर्टेंस है। जेनेटिक व्हाट इज दिस, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है किसी भी एनिमल में, वो क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। हमें नहीं पता उसका मैनिपुलेशन कितना हुआ है और वो हमारे लिए कितना घातक रहेगा। इफ वी आर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग, जैसे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया कि हमारी बॉडी में मान लो अगर हाथ कट जाता है तो वो दोबारा से नहीं आ पाता है, लेकिन लिजर्ड में ऐसा होता है कि अगर हाथ कट जाता है तो दोबारा आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में पोटेंशी है टू रिजनरेट। ठीक है, फ्रॉग्स में भी ऐसा होता है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था ये ट्राई करने के लिए कि कैसे हम रिजनरेशन प्रोसीजर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से रिजनरेशन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, आर्टिफिशियली ही सही इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। उस पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने वर्क किया है लेकिन एक्सपेरिमेंटल सक्सेसफुल अभी तक किसी को नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को हार्म किया है कि मान लो ये चेक करना है कि कैसे रिजनरेशन, मैंने बना दिया भाई, ठीक है मैंने कुछ ऐसे जीन बना दिए, कुछ ऐसा टिश्यू क्लस्टर बना दिया जो जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है, वो रीजनरेशन, उसमें टोटिपोटेंसी है, वो फुली डेवलप्ड ऑर्गन बना सकता है एक। ठीक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म पकड़ा जिसमें रीजनरेशन नहीं होता ऑर्गन्स का। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का क्या किया, टांग काट दी या फिर बाजू काट दी, फिर उसमें उन्होंने इंजेक्ट किया अपना एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट था, जो उसको आउटपुट मिला था, जो उसकी यील्ड थी एक्सपेरिमेंटल यील्ड, उसने उसको इंसर्ट कर दिया उसमें ऑर्गेनिज्म में, साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया। अब क्या जरूरत थी भाई ये सब करने की, पहले उसका हाथ काटो फिर देखो कि रिजनरेट होता ही नहीं होता, कहीं ना कहीं वो तो अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और हमें नहीं पता वो मॉडिफिकेशन उसकी बॉडी को क्या अफेक्ट शो करेगी, क्या पता उसकी बॉडी इतना एलर्जिक रिस्पॉन्स शो कर दे वो मर ही जाए। तो हमें नहीं पता कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। यस, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकता, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप का रिजल्ट हमें मिलेगा। सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस इन टू द इकोसिस्टम एंड सच इन कुछ ऐसे, और उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इकोसिस्टम में। देयरफॉर इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया है, दैट इज GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो क्या करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको अप्रूवल वहीं से लेना पड़ेगा। अगर आप किसी जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म की सोच रहे हो कि हाँ मैं ये ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करके ये बनाना चाहता हूँ, तो आपको उसके उसके लिए पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कमेटी के लिए, और सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि उसको कितना हार्म होगा इस चीज से और आपका बेनिफिट उसमें कितना रहेगा, और हार्म जो है वो ज्यादा या बेनिफिट ज्यादा, ये चीज भी देखी जाएगी। उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि उसको हार्म कब तक रहता है, जब तक वो मॉडिफाइड फॉर्म में रहता है तब तक रहेगा, या फिर स्टार्टिंग में सिर्फ जब इंजेक्ट करते कि हल्का फुल्का ठीक है सुई से तो दर्द होता है, सिर्फ वो दर्द रहेगा, वो चीजें भी देखनी है। विच विल मेक डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की रिसर्च के लिए, एंड द सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड इंट्रोड्यूसिंग फॉर पब्लिक सर्विसेज। कोई भी घातक ऐसे बना दिया भाई, शेर है, एक तो शेर है, ऊपर से उसको सवा शेर बना दिया, फिर उसको पब्लिक में लेके आ रहे हो, है ना, सरकार ये भी तो देखे कि ये ठीक है। प्रोटीन कोटेड राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ गोल्डन राइस, जिसमें हमने क्या किया था उसमें, अच्छा प्रोटीन कोटेड राइस पूछ रहे हो आप, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, तो प्रोटीन कोटेड राइस में हम देखते हैं, एक सेकेंड, मैं बताती हूँ आपको, एक बार ये पूरा कर ले, ठीक है। अरे रे रे, हाँ तो उसमें देखेंगे कि सेफ्टी क्या है, वो कितना सेफ है पब्लिक के लिए, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो रिसर्च है वो किस लेवल की,
The modification and uses of living organisms for public services as food, medicine sources has also created problem with patent granted for the same. ठीक है, अब इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन करवा ली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. अब मेन थिंग क्या है, एक चीज और है यहाँ पे, पहले क्या होता था, ये चीज बाद में अलाउ की गई है. हमने देखा ही है कि किसी भी चीज का हमारे पास, अगर हमने कोई गाना निकाला है तो उसका हमारे पास कॉपीराइट होता है. कोई और उस गाने को ये कहेगा वो मैंने गाया, ये तो मैंने निकाला है, तो आप उस पर कॉपीराइट लगा सकते हो. अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, आपके ने आपने कोई मशीन बना दी है, ठीक है, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, उसको भी आप बोलेंगे, बोल सकते हैं कि हाँ आई हैड पेटेंट फॉर दिस इन्वेंशन, ये मेरा मेरा इन्वेंशन है, पेटेंट है मेरे पास इसका. ठीक है, तो आपको उस चीज का क्या करना पड़ता है, पेटेंट लेना पड़ता है. ठीक है, तो जो पेटेंट लेते हैं उसके बाद क्या होता है, पेटेंट जो होता है चीजों का होता है, इन्वेंशन का होता है, चीजों का होता है. लेकिन आपने क्या किया है, किसी ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी क्वालिटी को एनहेंस किया, उसकी क्वांटिटी को एनहेंस किया है, उसकी यील्ड को अफेक्ट किया है, तो क्या आप उसको चीज में कन्वर्ट करोगे? तो क्या आप उस चीज को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा ये कहती है कि आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पेटेंट नहीं ले सकते हैं, और स्पेशली तब जब वो ऑटोमेटिक एग्जिस्ट कर रही है, वो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, वही तुमने उसको पैदा नहीं किया है, सो यू कांट हैव पेटेंट ऑन दैट. आप अपने बेटा बेटे को अपना बताओगे क्योंकि वो तुमसे बने हैं. ठीक है, यू हैड अ पेटेंट कि हाँ ये मेरे बेटा बेटे हैं, इसको कोई और नहीं कह सकता कि ये इसके बेटा बेटी नहीं, ये इनको मैंने पैदा किया तो ये मेरे बच्चे हैं. ठीक है, लेकिन आप किसी भी ऐरे गहरे चलते खरे बंदर को उठाया तुमने और रिसर्च बनाई और उसको मॉडिफाई कर दिया, हालांकि वो मॉडिफिकेशन जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, वो पॉजिटिव फीडबैक वाली थी, लेकिन यू कांट हैव पेटेंट ऑन दैट क्योंकि वो नेचुरली अकरिंग है. तो उसपे एक बार क्या हुआ था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म था. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम मुझे भी ध्यान नहीं है. उसमें एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया था, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे पेटेंट तब मिला था, तो उन्होंने क्या किया था, बहुत कॉमनली यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इकोलाई होता है एक तो एक, सेल्मोनेला टाइप, हाँ सेल्मोनेला टाइफिक उन्होंने यूज किया था, और उन्होंने उसको एनहेंस किया था. एनहेंस भी क्या किया था, उन्होंने दिखाया था कि पहला वाला जो जो नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया है, सेल्मोनेला टाइफी है, सॉरी जो सेल्मोनेला है नेचुरली अकरिंग है, वो उसमें जो है वो एक ही टाइप का प्रोटीन बनाता है, एक ही टाइप का प्रोटीन बनाता है, लेकिन जो उसको उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. मॉडिफाई करने के बाद उसने क्या किया, उस सेल्मोनेला टाइफी ने चार टाइप के प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, फोर टाइप के प्रोटीन्स बनाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो उसने क्या कहा कि इसको मैंने मॉडिफाई किया, ये नेचुरली अकरिंग नहीं है, नेचुरली अकरिंग सिर्फ एक टाइप का प्रोटीन बनाता है, जो मैंने मॉडिफाई किया वो चार टाइप का प्रोटीन बनाता है. तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही अलाउ किया गया था कि हाँ ठीक है, यू कुड हैव पेटेंट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू. ठीक है, अब देखो, देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट ऑन प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी दैट मेक यूज ऑफ जेनेटिक मटीरियल, प्लांट एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव लॉन्ग बीन आइडेंटिफाइड. देखो इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पब्लिक एंगर आ जाता है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि अपना पेटेंट बनवाई जा रही है कुछ प्लांट्स एनिमल्स पे जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है. फॉर एग्जाम्पल की टर्मरिक यूज होता है वाउंड हीलिंग में, उस पर अमेरिकन कंपनी ने अपना पेटेंट ट्राई किया था, उन्होंने ले भी लिया था. 10 साल बाद फिर इंडिया ने बोला कि हमारे पुराणों में लिखा पड़ा है, वेदों पुराणों में लिखा पड़ा है ये कि हम जो हल्दी है वो बहुत पहले से यूज करते आ रहे. सेम टू सेम नीम का भी यही हाल था कि फिर इंडिया को पेटेंट मिला था उसका कि हाँ ये यहीं से ओरिजिनेटेड है तो इसको पेटेंट यहीं से मिलेगा, जबकि वो बहुत लॉन्ग टाइम से आइडेंटिफाइड थे. डेवलपमेंट यूज बाय द फार्मर इंडिजिनियस पीपल इन स्पेसिफिक रीजन और कंट्री. यहाँ पे बासमती राइस का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, पेटेंट पे बासमती राइस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है. New journey, no restrictions. Yes, you can call me. आप अनअकैडमी क्लास में आ जाइएगा, हम वहां बात करते हैं. ठीक है, अनअकैडमी सेशन में आना, हम वहां बात करते हैं रात को 8:30 बजे. ठीक है, बायोलॉजी पे रात 8:30 बजे आना. ठीक है, हम वहां बात करेंगे अनअकैडमी सेशन पे. ठीक है, आपको क्या डाउट है आप वहां पूछ लेंगे. चलिए, राइस जो है यहाँ पर हम एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को हमें मिलता है.
राइस का। ठीक है, राइस इज एन इम्पोर्टेंट फूड ग्रेन, प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। देर आर एस्टिमेटेड टू 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया। द डायवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट। यहाँ बोला गया था कि सबसे ज्यादा वास्ट वेराइटी राइस की हमारे इंडिया में ही मिलती है। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। ठीक है, बासमती राइस का क्या था कि बहुत इसका एक यूनिक एरोमा होता है, यूनिक फ्लेवर इसका होता है, उसके लिए इसकी पहचान होती है कि अगर हम बासमती राइस पका रहे हैं तो पूरे घर में ऐसा खुशबू आ जाएगी, ओह राइस की स्मेल है तो बासमती राइस की। ठीक है, इसका एरोमा इतना अट्रैक्टिव होता है, इतना मस्त। ठीक है, सो क्या होता है इसमें कि अमेरिकन कंपनीज ने क्या किया कि बासमती राइस को यहां से उन्होंने देखा कि हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट एशिया, एशियन जो एरिया है वहां पे कंप्लीट एशिया में हमारा ही, हमारे इंडिया से कम 500 से 400 टन 5000 टू एक्चुअली 4000 टू 5000 होगा टन, 4000 से 5000 टन ट्रांसफर किया जाता था राइस, 4000 से 5000 टन राइस भेजा जाता था हर साल। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है और ग्रोन इन इंडिया, देखो 27 तरह की वेराइटीज हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने देखा कि यहाँ पे बासमती राइस है लेकिन इस पे किसी का पेटेंट नहीं है। उन्होंने क्या किया, वो यहाँ से नॉर्मल राइस इन्होंने देखा, बासमती की सारी क्वालिटीज देखी, यहाँ से बासमती राइस ले गए वो। ठीक है, वहां जाके उन्होंने क्या किया, पहले तो नॉर्मल राइस को बासमती में कन्वर्ट किया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें स्पेसिफिक एरोमेटिक जीन्स डाले, एरोमा जीन्स डाले जो एरोमा कोज करते हैं, जिसका एरोमा होता है ना एक स्पेशल टाइप की, इसकी स्मेल होती है, उसको एनहेंस करने के लिए इसने जीन्स डाल दिए उसमें। उसके बाद उसने 10 से 12 साल बाद उसने क्या किया, अमेरिकन पेटेंट सोसाइटी में जाके, यूपीसी अमेरिकन पेटेंट सोसाइटी यूपीएस में जाके उसने क्या किया, बताया कि मैं इस चीज का पेटेंट चाहता हूँ, आई हैव स्पेंट माई 12 ईयर्स ऑन दिस प्लांट। ठीक है, तो ये जो एरोमा है ये मैंने ही बनाया है और ये जो प्लांट है ये भी मैंने ही बनाया, तो मुझे इस प्लांट का, इस बासमती राइस का मुझे पेटेंट चाहिए। एंड जो और उसके बाद उन्होंने क्या किया था, अमेरिकन कंपनी जो थी उन्होंने उसको पेटेंट दे भी दिया था। लेटर जो है हमारे जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट नहीं थे, साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, इंडियन रिसर्चर, उन्होंने उसको फीडबैक दिया था कि नहीं ये हमारा ही है। उन्होंने फिर बताया था, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है, फोकलोर एंड पोएट्री। उन्होंने बताया था कि हमारे, एज आई टोल्ड कि उन्होंने बताया था कि हमारे पुराने गीतों संगीतों में, बहुत सारे पुराने वेदों में, कुरानों में लिखा हुआ है ये चीज कि हमारा जो राइस है वो हमारा ही है। एंड इट हैज बीन ग्रोन फॉर सेंचुरीज, बहुत सदियों से चलता हुआ आ रहा है। इन 1997 द अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस एज आई टोल्ड थ्रू द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, यूएसपीटीओ आएगा यहाँ पे, यूएसपीटीओ, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यूएस एंड अब्रोड। उन्होंने क्या सोचा था, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता, उनको पेटेंट मिल गया, अगर उनको पेटेंट मिल जाता तो वो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को ही बेचते पूरे उसमें एशिया में, तो उससे इकोनॉमिक लॉस कितना होता इंडिया को। ठीक है, दिस न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैज एक्चुअली बीन डायरेक्ट फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटीज एज आई टोल्ड। जैसे मैंने बताया, इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज, इंडियन जो थी वो सेमी ड्वार्फ के साथ पहले इसको क्रॉस करवाया गया था। क्लेम एंड इन्वेंशन और नोवेलिटी, उसने क्या किया था कि नोवेलिटी यानी कि ऐसा कुछ बना ही नहीं है पहले, ये तो मैंने ही बनाया है। द पेटेंट एक्सटेंड टू फंक्शनल इक्विवेलेंस इंप्लाई दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। जो जैसे कि इंडिया था पूरा रिस्ट्रिक्ट हो जाता इंडिया में सेलिंग का, बासमती राइस की सेलिंग का, कि हाँ अब जो है बासमती राइस जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पेटेंट तो अमेरिकन कंपनी ने ले लिया, अमेरिका ने ले लिया। सेवरल अटेम्प्ट हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्ब मेडिसिंस, टर्मरिक, नीम एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजों पे, एज आई टोल्ड नीम और टर्मरिक पे भी बनाया गया था ये। ठीक है, इफ वी आर नॉट विजिलेंट
we do not immediately counter these patent applications. Other countries' individuals may encase on our rich legacy and we may not be able to do anything about it. अगर हमारे पास इसका कुछ पता नहीं होता तो हम इस पर कुछ भी नहीं कर पाते. हम हमारे पास सब कुछ रह जाता कि हाँ ठीक है उन्होंने पेटेंट ले लिया सो ले लिया, हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है. लेकिन वी हैड अवर वेड जिनमें लिखा हुआ है हर चीज, किस तरह से नीम चीजों का तोड़ करता है, किसमें नीम में एंटीसेप्टिक एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है, किस तरह से स्टरलाइजेशन एक्टिविटीज होती है, ठीक है, किस तरह से हल्दी जो होती है वो वाउंड हीलिंग कैपेसिटी होती है, नेचुरल इंडिकेटर है वो, किस तरह से ये सब चीजें उनकी क्वालिटीज जो है वो डिपेंड करती है, वो सब क्या लिखा पड़ा है हमारे पास, तभी वो चीजें हैं जो उनका पेटेंट हम वापिस ले पाए. ठीक है, अब बात करते हैं बायोपायरेसी की. इन टर्म यूज टू रेफर टू दीज यू बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट. देखो बायोपायरेसी एक ऐसी टर्म है जिसमें हम दिखाते हैं कि किस तरह से बायो रिसोर्सेज का यूज किया जाता है जो मल्टीनेशनल कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, वो अपने फायदे के लिए यूज करती है, उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है, लेकिन जिस कंट्री का वो मेन चीज है, जो जो चीज है वो जिस कंट्री से ओरिजिनेटेड है, जिस पर्टिकुलर पर्सन से ओरिजिनेटेड है, उसका तो कोई कंपनसेशन ही नहीं मिला. उसका तो पूरा हिस्सा पब्लिक पब्लिकली मतलब जो पूरा पैसा था जो कमाई आई थी वो तो सारी कंपनी ने रख ली. उस इंसान का क्या जिसने इतना अच्छे से उसको बनाया था. तो इस हिसाब से बायोपायरेसी लीड्स विद दीज टर्म्स. ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी. फाइनेंशियल रिच लेकिन बायोडाइवर्सिटी वहां पे कम है, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है वहां पे, जैसे कि यूएस हो गया. इन कॉन्ट्रास्ट फॉर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. जो अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है जैसे कि इंडिया हो गया वो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ट्रेडिशनल नॉलेज वहां पे भर भर के है भाई. हर चीज आयुर्वेदा का ओरिजिनेशन यहीं से तो हुआ है, जड़ी बूटी संजीवनी बूटियां जो है वो यहीं से तो ओरिजिनेटेड है, सिलेजिनेला जिसको बोलते हैं यहीं से तो है वो. ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लोइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर लाइफ कॉमर्शियलाइजेशन. देखो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होती है, जो चलती आ रही है ट्रेडिशन से जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है. जैसे कि हल्दी का यूज है, मम्मी टांग पे चोट लग गई मेरी, ठीक है, तो अभी मम्मी क्या करेगी, फटाफट से रुको रुको मैं हल्दी गर्म करके लेके आती, तेल में हल्दी गर्म करके उसको ला दी, उसके ऊपर लेप बना के लगा देंगी. ठीक है, तो ये जो चीज है ये किस लिए है, ये जो चीजें हैं ये ट्रेडिशनल नॉलेज में ही आती है. अरे अरे भाई ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, देखेंगे देखेंगे. देयर कॉमर्शियलाइजेशन, ठीक है. नाउ देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन फॉर द इनजस्टिस इनइक्विट कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, वहां पे क्या हुआ, फिर उसके बाद कंपनसेशन की बात चलेगी. क्यों, क्योंकि भाई जो चीज जो ओरिजिनली जिससे बिलोंग करते हैं उसका भी तो हिस्सा होना चाहिए ना. ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ भी बना के दे रहा है, कोई ट्रेडिशन कोई कंपनी आ रही है मल्टीनेशनल कंपनी, उसके पास पावर है तो उसने उसको हड़प लिया और फिर उसका पूरा बेनिफिट उसने ले लिया. नो, कंपनसेशन इज लाइक जरूर है. ठीक है, देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लोइटेशन फॉर देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज. इसीलिए बायो रिसोर्सेज के यूज के लिए, ट्रेडिशनल नॉलेज यूज के लिए जो डिफरेंट कंट्रीज है वो क्या कर रही है, रूल्स रेगुलेशंस बना रही है, एक्ट बना रही है. इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडिया पेटेंट बिल, इंडियन पेटेंट बिल. This that takes such issues into consideration, including patent term emergency provisions and research and development initiatives. Hey, new journey, no distractions. We would talk on an academy platform. Okay. वहां बात करते हैं, ठीक है? Please आप वहां आइएगा. I want to talk actually. चलिए ओके, हाँ जी. सो इंडियन पार्लियामेंट ने सेकेंडली अमेंडमेंट एक्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्सेशन ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, आगे पीछे हो रहा है. ठीक है,
तो पे उसने क्या किया, सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल दिया है, जिसने क्या किया है, इश्यूज को कंसीडर किया है, इंक्लूड किया पेटेंट टर्म्स को, इमरजेंसी प्रोविजंस को देखा है, और रिसर्च वर्क्स को देखा है, और डेवलपिंग इनिशिएटिव्स को देखा है। ठीक है, उस एक्ट में देखा गया कि किस तरह से चीजों को कंसीडर करना है, जैसे कि पेटेंट हो गया, इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट हो गया, रिसर्च को लेकर, डेवलपिंग इनिशिएटिव्स को लेकर। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे कि इंडिया ने भी किस तरह से एक्ट बना दिए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। आज बायोटेक हमने कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, तो अब हम मिलते हैं कल। ठीक है, कल मिलते हैं, कल नया चैप्टर लेके आएंगे, देखेंगे, या तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ लेके आएंगे या तो कोई अनदर और चैप्टर लेके, जो भी चैप्टर होगा बता दिया जाएगा। ठीक है, ओके एवरीवन, बाय, टेक केयर।